आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज व्हाट आर मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। मेजर एयर पॉल्यूटेंट क्या हो, मतलब कौन से होते हैं वो हमें बताना है, ठीक है, और इनमें से किसी भी दो को हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जो हमारे मेजर एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो होते हैं हमारे ओजोन हुई, ठीक है, ओजोन हुई, सीओ हुई, NO2 हुई, ठीक है, या फिर जो हमारे पर्टिकुलेट मैटर हुए, सल्फर डाइऑक्साइड हुई, ठीक है, जो पर्टिकुलेट मैटर हुए, सल्फर डाई ऑक्साइड हुई, लेड, टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स, या फिर जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हुई, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हुई, ठीक है, ये हमारे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दो को हमें डिस्कस करना है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं NO2, ठीक है। NO2 जो होता है, देखो कैसे हमारे एयर पॉल्यूटेंट के रूप में आएगा, ये इसमें क्या होता है, ये जनरली आता है हमारे पावर प्लांट्स में से और कार्स में से, ठीक है, कार्स बसेस जो हुई उनमें से, ठीक है। तो देखो, इसको लिख सकते हैं, इट मोस्टली कम्स फ्रॉम, कहां से आती है, पावर प्लांट्स में से, ठीक है, एंड कार्स में से, ठीक है। NO2 जो होती है वो फॉर्म होती है, इज फॉर्म्ड इन टू वेज, ठीक है, दो तरीके से ये फॉर्म होती है। देखो, सबसे पहली तो आती है जब N2 जो होती है इन द फ्यूल इज बर्न्ड, ठीक है, इज बर्न्ड, क्योंकि N2 जो होती है वो फ्यूल में बर्न होती है, वो तब होती है, या फिर जब N2 जो होती है एयर में रिएक्ट करती है O2 के साथ, या फिर क्या होता है, और व्हेन N2 इन एयर रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करती है, O2 के साथ, एट हाई टेम्परेचर, एक्चुअली वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से NO2 जो होती है वो हमारी फॉर्म होती है, ठीक है, और ये हमारी किसके रूप में जानी जाती है, एज अ एयर पॉल्यूटेंट। और जो उसके बाद आती है हमारी CO के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिलीज होती है कब, जब इंजन जो होते हैं बर्न होते हैं, बर्न करते हैं किसको, फॉसिल फ्यूल, या फिर जो इंजन जो होते हैं वो प्रॉपरली, मतलब जो फ्यूल होता है उसको कम्प्लीटली बर्न नहीं करते, तब भी हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो रिलीज होती है, ठीक है। और देखो, यहाँ पर जनरली क्या होता है, कार्स जो होती है वो हमारे इमिट करती है बहुत ज्यादा CO को, ठीक है, आउटडोर्स में। तो देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज रिलीज्ड व्हेन इंजन्स बर्न फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इमिशन आर higher when engines are not tuned properly, जब engines tuned नहीं होता properly तब भी ऐसा होता है properly, या फिर and when fuel is not completely burned, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि फ्यूल जो होता है जब कम्प्लीटली बर्न नहीं होता तब भी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कम्प्लीटली बर्न, ठीक है। जो कार्स होती हैं वो एमिट करती हैं, कार्स एमिट अ लॉट ऑफ CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो करती है, फाउंड आउटडोर्स, ठीक है। तो हमें दो को डिस्कस करना था, तो हमने NO और CO को करा, NO2 और CO को, ठीक है। और हमें यही पूछा गया था कि जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे ओजोन, CO, NO2,
पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट और जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।